उत्तर प्रदेश के दबायू में अचानक चांदी के सिक्कों की बरसात शुरू हो गई। जनपद के कस्बा बिलसी में नगर पालिका द्वारा एक खंडहर नुमा मकान की दीवार जेसीबी से ढहाई जा रही थी। खंडहर नुमा यह मकान सिद्धपुर गांव निवासी माधव राम का है। बंटवारे के विवाद में इसका निर्माण नहीं हुआ, इसलिए यह जर्जर हो गया, जिसके बाद नगर पालिका द्वारा इसे गिराया जा रहा था। उसी दौरान दीवार से चांदी के सिक्कों की बारिश शुरू हो गई, जिसके बाद वहां लूट मच गई। बता दें कि नगर पालिका ऐसे भवन और दीवारों को गिरा रही है जो जर्जर हालत में है। नगर के जिन भवन और दीवारों की गिरने की आशंका है उन्हें गिराया जा रहा है। कस्बा बिलसी में ऐसे ही एक मकान को गिराते समय दीवार में से चांदी के सिक्के निकलने लगे। सिक्के निकलते ही वहां लूटमार मच गई। जिसके हाथ में जितने सिक्के आए वह इसे लेकर भाग खड़ा हुआ। सिक्कों को लेकर चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। चांदी के सिक्कों की लूटमार होने लगी। दीवार से चांदी के सिक्के निकलने की सूचना पुलिस को दी गई, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने वहां मोर्चा संभाला। पुलिस ने रास्ते बंद करके चांदी के सिक्के निकालने वाली जगह को सुरक्षित कर दिया। इस मामले को लेकर पूरे नगर में चर्चा है। लोग मकान में निकले सिक्कों को लेकर तरह तरह की चर्चाएं कर रहे हैं। मौके पर एसडीएम बिलसी, क्षेत्राधिकारी बिलसी और नगर पालिका के चेयरमैन समेत तमाम गणमान्य लोग पहुंच गए। अब इस जगह पर खुदाई कराई जाने की चर्चाएं भी हो रही हैं। कहा जा रहा है कि यहां से और सिक्के निकलने का अंदेशा है।